थाना क्षेत्र के दूलापट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 2 में चोरों ने किया कई हजार रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ। मामला सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के दूलापट्टी पंचायत वार्ड नंबर 2 के स्थानीय निवासी रवीना खातून और पति आलमगीर खां का है। देखिए इस बारे में रवीना खातून क्या कहती है। खटखट का आवाज सुने तो नींद टूटा। टूटने के बाद हम खिड़की खोल करके उसको देखे। 5 लड़का था। 5 के बाद 4 तो भाग गया, 1 को हम पहचाने। सारा सामान भी बाहर भी टपा लिया, थोड़ा बहुत छोड़ करके भाग गया। तो आप हल्ला किए तो ग्रामीण आए थे यहाँ? हाँ, हल्ला किए हैं तो मेरे बगल वाले सब आया, सब भी आया दौड़ करको। उसके बताया कि शायद देखे भाग गया चोर, 5 तो लड़का था। तो उसी के साथ दरवाजा खोले तो सारा लोग बाहर गया पश्चिम। पश्चिम निकलने के बाद हल्ला बहुत जोर जोर से किया, चोर चोर चोर। तो सब जगह सब सामान सब ढूंढ रहा था तो सामान तो नहीं मिला। अलग में जाकर को गाछ के पेड़ के नीचे एक तो पेटी मिला, उसी में सारा कपड़ा लगता सामान था। क्या सामान में क्या था? सामान में लड़की का जेवर था, जेवर के बाद 30,000 का जेवर था, उसमें 15,000 रुपया कैश था। तो जो चोर का पहचान के क्या नाम था उसका? उसका नाम था अरमान। पिता का? उसके पिता का नाम है जनीफ। घर कहाँ पड़ता है उसका? 4 नंबर वार्ड में। पंचायत कौन सा है? तुलापट्टी। थाना? थाना किशनपुर। जब आप अपने घर में गए तो घर से और क्या सामान गायब था? आर गए तो घर में का बक्सा जो निकला, घर में सब जो लोग जांगना में जमा हुआ तो हम घर में गए। जाने के बाद देखे जो बक्सा नहीं है घर में, तब बहुत से हल्ला करे। यहाँ हम लोग पीछे से रात को 2 बजे जो है नबी हमको आवाज़ दिया, आवाज़ दिया तो 2 आवाज़ पर हम आवाज़ दिए, क्या बात है? तो बोला उधर चोर भाग लगा, मेरे चोर तो नहीं आया है। बोला आलमगीर के यहाँ चोरी हो गया। हम फिर वहाँ से निकले, रोड धरते हुए वहाँ से यहाँ आए घर। घर पर आने के बाद देखें कि आंगन में जो है मतलब फ्रिज रखा हुआ था, एक रूम में खिड़की के पास जो वाटर मशीन रखा हुआ था, ठीक है। लोग बोला बक्सा है सबको कलम में मिला रखा हुआ, इसको देखते हुए। आप उसमें बक्सा जाके देखे थे? हाँ, बक्सा जाके देखे थे। उसमें कुछ कागज पत्र पड़ा हुआ था, बाकी कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, यहाँ चोरी हुआ है? हाँ। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।